हेलो नमस्कार अंकिल कौन बात कर रहा है बिजी लग रहे हो क्या कौन बात कर रहा है जी बहुआ बोल रहा हूँ मैं कह रहा था हाँ आप बात तो कर सकते हो ना हाँ जल्दी बोलना है जल्दी सॉरी मैं कह रहा था ना परेशान हो गया हूँ अच्छा किस बात से घर वालों से यार अच्छा कंजूस पने की हद कट दिया है सब लोग मतलब एक तो मेरे दादाजी की तरफ के तो हैं नाना जी की तरफ के भी सारे कंजूस हैं तो भाई मेरे को क्या लेना देना एक सेकेंड रुक जाना यार तू सुन की फितरत तो सुन ले लेना देना कुछ नहीं समझ तो ले कैसे टाइप के लोग हैं जिंदगी में हाँ तो बोला एक सेकेंड रुको मेरे पापा कल मेरे को दो चपेट मारी उनने अच्छा घंटा अच्छा पूछ तो काय को मारी सॉरी उन्होंने मेरे को बोला कि एक साथ दो दो सीढ़ी चढ़ाकर चप्पल कम घिसेगी कंजूस है कहते हैं एक साथ दो दो सीढ़ी चढ़ चप्पल कम घिसेगी मैं चार चार सीढ़ी चढ़ा उन्होंने थपेड़ मार दी उस चक्कर में पजामा फट गया उसका अलग खर्चा सुन तो मेरे चाचा जी केला खरीदने गए घंटा अच्छा बात तो सुन ले पूरा अच्छा अच्छा बोल रहा केला खरीदने गए केले वाले से पूछा कितने का केले वाले ने बोला 3 रुपए का अच्छा चाचा जी ने बोला कि 1 रुपए का दे दो कहते 1 रुपए में तो बस छिलका आएगा पता है चाचा जी ने क्या किया फटाक से 2 रुपए पकड़ाया बोले छिलका रख ला केला दे दे मेरे फूफा जी एंटीना बना रहे थे ऊपर छत पे नीचे गिर गए घंटा अच्छा अच्छा बोल रहे गिरते हुए जब वो खिड़की के बगल से गुजरे ना तो बुआ जी खाना बना रही थी गिरते हुए उनसे बोला आज मैं गिर जाऊंगा मेरी रोटी मत बनाइयो गंदा मत बोल मेरे मौसा जी मेरी मौसी जी का हाथ काट रहे थे ब्लेड से घंटा अच्छा किसी का हाथ कट रहा तू अच्छा बोल रहा है रिएक्ट कर रहा हूं एक सेकंड रिएक्ट कर रहा है मौसी ने पूछा कि मेरे हाथ क्यों काट रहे हो कहते हैं डेटॉल की बोतल फूट गई है बर्बाद न हो जाए इसलिए इसको काट के इसी पे लगा क्या कर रहा है मेरे दादाजी टूथब्रश लेने गए दुकानदार से बोला ब्रश दे दो मेरा ब्रश का एक बाल टूट गया है एक बाल टूट गया तो पूरा ब्रश लेने की यही बात दुकान वाले ने भी बोली हाँ तो फिर उसने क्या बोला उसने नहीं उन्होंने दादाजी औकात में रहे दादाजी की तो दादाजी से उसने बोला एक ब्रश की वजह से दादाजी ने बोला वही आखिरी बाल था ना ब्रश का तू खरीदना ही पड़ेगा मेरे नाना जी मरने वाले थे मेरे नाना जी आखिरी समय में उन्होंने आँख खोली नानी जी से बोला कि बेटा कहाँ है नानी जी बोले ये बगल में खड़ा है कहते बहू कहाँ है बोलती ये देख बगल में खड़ी है बोलते पोता पोती कहते हैं बगल में खड़े हैं वो कहते जब सब यहाँ है तो पिछले कमरे का पंखा क्यों चल रहा है साले सुबह सुबह क्यों एक और सुन ले मेरे एक और अभी नहीं सुना साले एक और चलिए आपको सुना देता हूँ मेरे एक दूर के रिश्तेदार प्लेन क्रैश में मर गए उनका आखिरी शब्द यही था कि अच्छा हुआ रिटर्न टिकट नहीं लिया